Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to start a new topic that is the souvenir. इसके बारे में हम आज देखेंगे. ये chapter है 7th standard का SSC board का. ये जो title है souvenir, souvenir का means आप कह सकते हैं ऐसा कोई object जिसको देखकर आपको पुरानी यादें, कुछ अच्छी बातें याद आ जाएं, कुछ पुरानी यादें आ जाएं आपके पास, या फिर आप ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट ही हो, किसी भी चीज़ की निशानी, किसी भी चीज़ को आप कह सकते हैं कि हाँ वो एक बात थी जो हमें बहुत अच्छी लगी, जो हमें कुछ यादें हैं हमारे साथ, कुछ बीते हुए टाइम की, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी नाउ. विद द टिप ऑफ योर नोज ऑफ हर नोज प्रेस्ड टू द विंडो ऑफ द स्पेस शटल, साइली सेट गेजिंग एट द व्यू आउटसाइड फॉर सो लॉन्ग, स्टिल She didn't seem to be contented. अब क्या हुआ, एक सीन बताया गया है कि एक स्पेस शटल है. स्पेस शटल में से आप कह सकते हैं एक स्पेस क्राफ्ट है. उसमें एक गर्ल बैठी हुई है, उसका नेम है सायली. वो क्या कर रही है, वो किस तरह से बैठी है, जैसे विंडो होती है ना, विंडो पर अपनी नोज प्रेस करते हुए, मीन्स बाहर की, उसको जो बाहर हो रहा है, जो बाहर का एटमोसफियर है या सराउंडिंग्स, उसको देखना है, बाहर देखना है. तो इसलिए वो क्या करती है, एकदम विंडो से अपनी नाक को दबाकर सब बाहर का देखती है. और वो क्या कर रही है, आउटसाइड व्यू, बाहर का जो नज़ारा है उसको काफ़ी देर तक वो देखी जा रही है, कंटिन्यूसली देख रही है. फिर भी उस ऐसा लगता है कि वो अभी भी इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रही है. किस चीज़ पर, कि वो एक स्पेस शटल में बैठी है. ऐसा लग रहा है कि ये बाहर देख कर भी वो इन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं. शी हैड रेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस व्यू सेवरल टाइम्स बिफोर. उसने जो बाहर अभी देख रही है वो, उसके बारे में उसने बहुत बार पहले पढ़ रखा है. एंड हैड सीन दिस सीन ऑन द वीडियो टू, और इवन इस चीज़ के वीडियोस भी उसने देखे हैं. बट दिस वॉज डिफरेंट, लेकिन जो अब वो देख रही है वो एकदम डिफरेंट था. रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, इसी चीज़ के बारे में पढ़ना एक अलग बात होती है. Watching the pictures and videos captured by the camera was another. और अगर कुछ आप videos देख रहे हो या pictures देख रहे हो जो किसी और ने क्लिक किए हैं, वो बात भी अलग हो जाती है. But getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out of world experience. लेकिन पढ़ना, उसके वीडियोस देखना बात अलग हो जाती है. लेकिन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मीन्स एक फैसिलिटी या एक आप कह सकते हैं एक मौका मिल रहा है आपको कि इस खूबसूरत व्यू को देखना, पैनोरामा मीन्स आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा व्यू, बड़ा सा एक एक ऐसा चीज़ देखना, वाइड व्यू, व्यू मीन्स आप कह सकते हैं किसी चीज़ को देखना. सो जब उस चीज़ को जो देख रही है तो उसको यकीन नहीं हो रहा है उन चीज़ों पर, और उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस अमेजिंग सीन को देखना. आप कह सकते हैं अपनी खुद की आंखों से वो देख रही थी, बीइंग प्रेजेंट फिजिकली राइट इन द मिड्स ऑफ इट, मीन्स वो आसमान की तरफ जा रही थी, वो मून की तरफ जा रही थी, और उस बीच जो वो देख रही थी, बाहर देख रही थी, खुद फिजिकली प्रेजेंट होकर इन चीज़ों को देख रही थी, वो एक ऐसा था कि आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस, मीन्स अनइमेजिनेबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट था उसके लिए. तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था उसके लिए जिस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी, जो सबसे डिफरेंट था, जो सबसे अलग था. नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सेट गेजिंग, हर ऑ एंड वंडर डिड नॉट सीम टू अबेट. कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी देर से उसको देख रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन में जो एक फियर या एक एक्साइटमेंट था, और जो खुश हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि कम नहीं हो रहा है, उसका एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा है. वो कंटिन्यूसली बाहर देख रही थी, फिर भी उसका एक्साइटमेंट कम नहीं हो रहा था. द अर्थ ग्रेजुअली अपीयर टू गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई. और जैसे ही उसका स्पेस शटल ऊपर जा रहा था, वैसे ही उसके लिए अर्थ जो है छोटी, स्मॉलर होती जा रही थी, छोटी से छोटी बनती जा रही थी स्काई से. द एज़्योर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक. और एज़्योर मीन्स आप कह सकते हैं कि जो हम स्काई में हमें डिफरेंट ब्राइट कलर्स दिखते हैं ना, कभी ब्लू, लाइट ब्लू कलर्स जो हमको दिखते हैं, तो जब वो ऊपर जा रही थी स्काई में, तब उसको ऐसा लग रहा था कि एकदम कम्प्लीटली ब्लैक है स्काई.
The cloud had disappeared. Cloud नहीं थे. The stars were shining bright. और stars shine कर रहे थे. Now your first question is, आपका जो पहला question है वो ये है, what are the out of world experiences for Sayali? Sayali के लिए out of world experience क्या था? What was the out of world experience for Sayali? Sayali के लिए out of world experience क्या था? I hope I am very clear with my question. Out of the world experience. ये क्यों लिखा है? उसके लिए ये एक्सपीरियंस क्या था? क्या एक्सपीरियंस कर रही थी वो उस टाइम? दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ दिस ट्रिप टू द मून वॉज एक्सऑर्बिडेंटली एक्सपेंसिव. ये जो ट्रिप थी मून की, वो एक्चुअली मून की तरफ जा रहे थे, वो उसका एक ट्रिप था मून के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था. बट स्टिल सैलीज मदर हैड सेंट हर ऑन द ट्रिप. लेकिन फिर भी सैली की मदर ने उसको ट्रिप पर भेजा. In our childhood, we could not even think of such long distance trips. उसकी मदर ने कहा कि जब हम बच्चे थे तब तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी लंबी, इतनी दूरी के ट्रिप्स भी हो सकती हैं. The longest trip meant going to Europe. और सबसे लंबा ट्रिप हमारे टाइम पर ऐसा था कि हाँ, यूरोप तक जाना. If you are getting this opportunity, make the most of it. उसकी मदर ने कहा कि अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको पूरी तरह से यूज़ करो. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज सैलीज मदर्स व्यू ऑन द ट्रिप टू द मून? सैली की मदर के क्या व्यू थे जब उसने अपने ट्रिप के बारे में बताया? व्हाट वर द व्यूज ऑफ सैलीज मदर फॉर द ट्रिप टू द मून? जब सैली ने अपनी मदर को इस ट्रिप के बारे में बताया तो मदर के क्या व्यू थे, क्या कहा था मदर ने? दैट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, ओ मम्मी, नेहाज ग्रैंड मदर वॉज सेइंग दैट इन देयर चाइल्डहुड द लॉन्गेस्ट ट्रिप फॉर स्कूल चिल्ड्रन यूज्ड टू बी अप टू दिल्ली और कोलकाता. उसने कहा कि अरे मम्मी, नेहा की ग्रैंड मदर तो कह रही थी कि उनके चाइल्डहुड के टाइम पे सबसे लंबी ट्रिप जो होती थी या तो वो दिल्ली तक होती थी या कोलकाता तक होती थी. इट सीम्स सो फनी इज़न्ट इट, सैड सैली लाफिंग. उसने हंसते हुए कहा कि इतनी सी दूरी को वो लोग इतना लंबा डिस्टेंस कहते थे. रिमेम्बरिंग द इंसिडेंट मेड हर लाफ इवन नाउ. और उस बात को सोच के वो अभी भी जब वो स्पेस शटल में बैठी है तब भी वो एकदम हंसने लगी उस बात को सोच के. Now the shuttle was getting closer and closer to the moon. अब जो शटल है मून के पास आ रहा था, then it started orbiting the moon. उसने क्या किया, शटल ने मून के आसपास वो सर्कल में ऑर्बिट करने लगा. ऑर्बिट मीन्स वो घूमने लगा मून के आसपास सर्कल वे में. इन एवरी 32 मिनट्स द शटल कम्प्लीटेड वन रेवोल्यूशन राउंड द मून. और 32 मिनट्स में एक राउंड कम्प्लीट हो जाता था मून का. लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन अ क्विक सक्सेशन. कई बार लाइट होती थी, कई बार डार्कनेस होती थी. तो एक बार कई बार जैसे एक साइड वो मून की एक साइड है तो लाइट है, दूसरी साइड आए तो डार्कनेस है. तो ये सक्सेशन मीन्स वन बाय वन ये चीज़ चलती जा रही थी. द डोम शेप्ड सेटलमेंट्स ऑन द मून विच रिजेंबल द इग्लूज ऑफ द एस्किमोज वर नाउ विजिबल. आपने इसके बारे में शायद पढ़ा होगा, एस्किमोस के बारे में. वो लोग क्या रहते हैं, मीन्स वो बर्फ़ में जहाँ बहुत ज़्यादा स्नो होता है वहाँ रहते हैं, और वो अपने आप को सेफ रखने के लिए उनका घर होता है इग्लू. इग्लू मीन्स एक राउंड होता है, सेमी सर्कल टाइप होता है. तो यहाँ पर जो डोम है, जो सेटलमेंट्स मीन्स आप कह सकते हैं कि द डोम शेप्ड सेटलमेंट्स ऑन द मून, मून के ऊपर कुछ सेटलमेंट्स थे, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई आ सकता है. क्योंकि ये ट्रिप गए हैं ये ट्रिप पर तो वहाँ पे ऑब्वियसली मून पे लैंड करेंगे, राइट? तो वहाँ पर कुछ ऐसे डोम शेप्ड सेटलमेंट्स थे, या जो डोम होता है आप कह सकते हैं कि एक सेमी सर्कल होता है, उस तरह के सेटलमेंट्स थे मून पर जो ऐसा लग रहा था कि एस्किमोस के इग्लू की तरह है. आफ्टर सम टाइम सैलीज शटल मेड अ स्लो मेजर्ड एंड सेफ लैंडिंग ऑन द मून. और कुछ टाइम बाद सैली का जो शटल था वो धीरे धीरे एकदम मेजर करते हुए सेफली लैंड हुआ मून पर. द डोर ऑफ द शटल वॉज ओपन्ड एंड द चिल्ड्रन वर एस्कॉर्टेड थ्रू एन एयर टाइट टनल टू द सेटलमेंट ऑफ द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस. और दरवाज़ा खुला उनके शटल का और जो बच्चे थे वो सब बाहर आए.
स्क्वाड्रन मीन्स आप कह सकते हैं कि एक कंपनी में एक साथ बाहर आए वो लोग, और एक एयर टाइट टनल, टनल मीन्स जैसे गुफा होती है, आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज होती है, टनल गुफा, तो एक छोटी सी गुफा या एक छोटे से वे के थ्रू वो बाहर आए उस सेटलमेंट पे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस, बेस मीन्स आप कह सकते हैं उस पर्टिकुलर किसी जगह का नेम है वो, तो उस बेस पर को नेम दे रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो बेस के का नाम है, वैसे तो पर्सन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यू मस्ट बी नोइंग हु वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नेम पर एक बेस, एक जगह का क्या कर दिया उन्होंने, एक नाम रख दिया है, तो वहाँ पर वो जो चिल्ड्रन थे वो वहाँ तक गए, द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस टू द बेस गेव सम इंस्ट्रक्शंस एट द वेरी आउटसाइड, बाहर ही उसने एक एंट्रेंस पर एक रिसेप्शनिस्ट था उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस, उसने सबको वेलकम किया, टू मेक योर स्टे ऑन द मून प्लेजेंट एंड कम्फर्टेबल आई वुड लाइक टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, उसने कहा कि कुछ प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं अगर आप अपनी इस ट्रिप को कम्फर्टेबल और प्लेजेंट बनाना चाहते हैं तो, लिसन केयरफुली टू माई इंस्ट्रक्शंस एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे, उसने इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट किया और बोला कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना और उनको फॉलो करना जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक, यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ, आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे अर्थ पर हम जानते हैं कुछ भी चीज़ हम अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज़ वापस से मैग्नेटिक इफेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होती है वो अर्थ पर वापस आ जाती है, बट मून पर ऐसा नहीं होता है, मून पर जो फोर्स होता है वो 1/6 होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का, मीन्स वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप चल पाए, वहाँ पर आप एकदम उड़ने भी लगते हैं, मीन्स आप अपने आप को पूरे टाइम मून पर लैंड नहीं कर सकते, यू माइट हैव सीन इन पिक्चर्स, आपने पिक्चर्स में देखा होगा कई बार ये चीज़ें कि जो मून पर हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो मून से थोड़ा ऊपर रहते हैं कई बार, राइट, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम होता है, 1/6 होता है जितना अर्थ होता है उसका, इन द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द मून ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन आर्टिफिशियली मेंटेन्ड, और उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं मीन्स जहाँ पर आप ह्यूमन जहाँ पर रह सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं तो उस एरिया में ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से मेंटेन किया गया है, एक आर्टिफिशियल फोर्स वहाँ पे किया है जिससे आप आराम से वॉक कर सको, बट आउटसाइड दो सेटलमेंट्स, लेकिन उन सेटलमेंट्स उन प्लेसेस के बाहर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो ही वर्क कर रहा है, वहाँ पर अगर आप गए तो थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर, अगर आप वहाँ पर जब भी वहाँ पर आप घूमते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, सो दिस वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय दैट पर्सन दैट रिसेप्शनिस्ट, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the first instruction given by the receptionist? Receptionist ने पहला instruction क्या दिया था? Then the second point to remember is related to shopping on the moon. उन्होंने कहा कि second जो point आपको ध्यान रखना है वो ये shopping करने का. You all must be interested in carrying souvenirs back home from moon. उसने कहा कि आप सबको इस चीज़ में interested होंगे, आप सब आपकी इच्छा होगी कि आप भी कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ से लेके जाएं जो एक तरह से आपकी याद होगी, सोविनियर्स एज आई टोल्ड यू सोविनियर मीन्स कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, रिमार्केबल ऑब्जेक्ट जिसको आप मेमोरेबल कह सकते हैं, जो आपकी एक याद बन के रह जाती है, प्लीज़ बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच आर इनसाइड द डोम शेप्ड सेटलमेंट्स, उन्होंने कहा कि जो भी शॉप आपको इस डोम शेप्ड सेटलमेंट के अंदर मिल रही हैं जो दिख रही हैं सिर्फ वहीं से आपको जो भी ऑब्जेक्ट खरीदना है जो भी आर्टिकल खरीदना है तो उससे ही खरीदें, देयर यू विल बी अश्योर्ड ऑफ जेन्युइन आर्टिकल्स, उन्होंने कहा कि वहाँ पर आपको जो प्रॉपर आर्टिकल्स है वो मिल जाएंगे, डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड शॉप्स आउटसाइड द सेटलमेंट, और सेटलमेंट के बाद बाहर अगर आपको कोई शॉप दिखती है जो ऑथोराइज नहीं है तो उनसे कुछ भी ना खरीदें, आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट स्टे ऑन द मून, so this was the second point and your next question is what was the second instruction of the receptionist,
उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द मून. विद दिस आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट्स, इट गेट्स ओवर. आज का वीडियो यहीं तक है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.